अरबों इंसानों की आबादी में कुछ गिने चुने ही ऐसे होते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं। आमतौर पर लोग दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। कुछ अलग या कुछ नया करने की ललक हर एक के मन में नहीं होती है। नई राहें उजागर करने वाले, नई लीक बनाने वाले लोग देखने में अलग नहीं लगते। उनके सोचने का ढंग ही वो अकेली चीज है जो उन्हें गैर मामूली बनाती है। ये वो लोग हैं जो समाज का हरावल दस्ता है। ये वो हैं जो बीहड़ सुनसान धरती में नई राहें खोजते हैं। अपने लिबास, रहन सहन और बोलचाल से पूरी तरह एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली समुद्री देवी उन गिने चुने लोगों में से है जो दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलने के बजाय जीवन को नई दिशा दिखाने वाले रास्तों का निर्माण करते हैं। समुद्री देवी रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन है, मगर समुद्री की यह सादगी ही उसे औरों से अलग करती है। इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी लोगों के हर दुख सुख में शरीक होती है। समुद्री को यहाँ तक पहुँचने के अपने सफर की जो बात सबसे साफ तौर पर याद है वो है साक्षरता अभियान। इसी साक्षरता अभियान ने कभी गुमनामी में जिंदगी बिताने वाली समुद्री को एक ऐसी पहचान दी कि आज सारे जिले में उसका एक अलग ही मुकाम है। गांव के हर घर में आज उसे जो इज्जत मिलती है वो उसे बरबस ही उस वक्त की याद दिला देती है जब वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। साक्षरता अभियान ने उसे आंगनवाड़ी के छोटे से कमरे से निकालकर जिला परिषद के चेयरपर्सन के पद तक पहुंचाया है। समुद्री अभियान की शुक्रगुजार है क्योंकि इसी ने उसे आम लोगों और समाज से जुड़ने का और उसके लिए कुछ करने का मौका दिया है। ये है हरियाणा के रोहतक जिले का गाँव भाली आनंदपुर। समुद्री देवी इसी गांव की रहने वाली है। 1993-94 में चले साक्षरता अभियान ने इस गांव में एक नई चेतना का संचार किया। इस अभियान ने महिलाओं पुरुषों को साक्षर होने और पढ़े लिखे तबके को सामाजिक भूमिका निभाने के अवसर प्रदान किए। यही नहीं, उन्हें जागरूक करने और समाज सुधार की दिशा में पहल कदमी लेने के लिए प्रेरित करने का काम भी इस अभियान ने ही किया। ये साक्षरता अभियान का ही असर है कि आज भाली आनंदपुर में जागरूक महिलाओं का एक ऐसा समूह बन गया है जो गांव की बेहतरी के हर काम में सदा आगे रहता है। बात सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की हो या गांव के विकास से जुड़े दूसरे मुद्दों मसलों की, ये महिलाएं हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन समुद्री देवी भी भाली गांव की इन जागरूक महिलाओं में से एक है। ये भाली की समुद्री देवी जैसी महिलाएं आगे आई और जिला परिषद की प्रधान चुनी गई, इसके पीछे दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो स्वाभाविक तौर से ऐसा हुआ है कि साक्षरता अभियान चाहे अनचाहे महिलाओं का अभियान बन गया है। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में सामने निकल कर आई। उसके लिए एक कारण ये कि महिलाएं ज़्यादा वंचित हैं, उन्हें बचपन में शिक्षा के मौके नहीं मिले। साक्षरता अभियान जिस चीज़ से वो अब तक वंचित थी उन्हें एक मौका उपलब्ध करा रहा था, तो अपने आप में ये एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि साक्षरता अभियान का जो नेतृत्व था वो महिलाओं के मुद्दों के प्रति सेंसिटिव भी था, जागरूक भी था, और वो हमारी सारी प्रक्रियाओं का एक अहम हिस्सा होते थे। अभियान की शुरुआत के वक्त समुद्री गांव में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। समाज के लिए कुछ करने की ललक तो थी, लेकिन पिछड़ी जाति से संबंधित होने के कारण उसमें एक झिझक थी जो उसे दूसरों के साथ काम करने से रोकती थी। आत्मविश्वास की यही कमी समुद्री को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी और वो अपना सारा समय आंगनवाड़ी को बेहतर ढंग से चलाने में ही लगा रही थी। आंगनवाड़ी में वर्कर उनका काम होता है, वो पढ़ाने का होता है बच्चों को। बच्चों को बुलाया, उनको प्रेयर करवाई, फिर उनको सफाई के बारे में बताया, कविताएं बताई, बच्चों को खिलाया, एक्टिविटी करवाई। तो यही काम मतलब पूरे 12 बजे तक चलता रहता है। 12 बजे फिर बच्चों को राशन खिलाने का काम, सारा राशन मिलता था। जिस त्रिया चना है, दाल है, मूंग की दाल,
दलिया खिचड़ी ये मिला करके बनाते थे। उसकी कोशिश रहती कि वहाँ आने वाला हर बच्चा कुछ नया सीखे। इसके बावजूद समाज के लिए कुछ और कर पाने की ख्वाहिश उसे परेशान किए रहती थी और इसीलिए जैसे ही साक्षरता कर्मियों ने उससे अभियान से जुड़ने की बात की तो वो फौरन राजी हो गई और दूसरों के साथ मिलकर निरक्षरों को पढ़ाने के काम में शामिल हो गई। समुद्री भी एक इस प्रकार की ही महिला है जिसे शायद अपनी क्षमताओं पे पहले भरोसा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो इतनी बड़ी प्रक्रियाओं के अंदर आई उसने अनेक प्रकार के काम शुरू किए। उसने सबसे पहले अक्षर सैनिका के तौर पे लोगों को पढ़ाना शुरू किया। तो जब वो महिलाओं को या इस तरह से पुरुषों और महिलाओं की कक्षा को संबोधित करती है तो उस समय लोग उससे कुछ ना कुछ पढ़ते वक्त भी प्रश्न पूछते हैं। तो जब वो प्रश्नों का जवाब देने की हिम्मत जुटाती है तो उसे लगता है कि वो तो एक अच्छी अध्यापिका भी हो सकती है। शुरू में क्लास लगी तो छोटे लाल जी आया करते हमारे पास। छोटे लाल जी ने कहा कि बेबे हमने है ना पढ़ाना है महिलाओं को, जो अनपढ़ महिला। तो मैंने कहा हम कहा ठीक है अंकल जी, हम आपका सहयोग करेंगे। तो छोटे लाल जी भी हमारे साथ रहते थे। मगर समझ ऐसे की बात है, ये है ना साक्षरता अभियान, ये बहुत अच्छा है, इसके साथ आप जुड़ जाओ। तो फिर मेरा काजे कुजे ले रहा, इसके बाद बताइए। अभियान की सफलता के लिए समुद्री ने खुद घर घर जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। औरतों और लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ जो आम रवैया था उसकी वजह से गांव में महिलाओं को पढ़ने के लिए राजी कर पाना आसान काम नहीं था, मगर समुद्री लगातार प्रयास करती रही और धीरे धीरे तकरीबन 25-30 महिलाओं को साक्षरता की क्लासों में आने के लिए उसने तैयार कर लिया। जब क्लास चालू हुई उस टाइम तो छोटे लाल जी थे, बाद में जब महिला का ग्रुप हो गया हमारे पास, जब सविता जी भी आते थे सेंटर, बीच बीच में साक्षरता वाला ने देखे भी। एक क्लास तो मेरी थी, दूसरी एक मास्टर जी और थे, सीमा भी थी, यानी कि 4-5 ग्रुप हमारे साक्षरता के चले हुए थे। क्लास लगया करते थे हमारी 1 बजे, उसमें कोई बाण का घास लेने के लिए जाते तो घास गेरते के साथ हम क्लास में जाकर बैठा करते थे, अपना आराम भी उड़े कराया करते। आंगनवाड़ी के समय के बाद इन महिलाओं को वो पढ़ाती। समुद्री की कक्षा में हर जाति की महिलाएं आती थीं। इन क्लासों में कोरा अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता था, यहाँ जिंदगी की दूसरी समस्याओं और परेशानियों पर भी बातचीत होती थी। सभी महिलाएं अपने दुख सुख बांटती, नए गीत लिखती, कहानियां रचती और गांव के हालात पर भी बातचीत करती। एक तरफ साक्षरता अभियान अपने पूरे जोर पर था तो दूसरी तरफ समुद्री और भाली गांव की दूसरी औरतें एक ऐसे समूह के रूप में संगठित हो रही थी जो गांव और समाज के लिए कुछ करना चाहता था। एक साथ मिलकर पढ़ने पढ़ाने और अपनी समस्याओं पर बातचीत करने से वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि उन सब की समस्याएं लगभग एक जैसी ही हैं और वो सब मिलकर ही उनका समाधान कर सकती हैं। वो रोहतक से आने वाले साक्षरता कर्मियों के सामने अपनी समस्याएं रखती और पूछती कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो क्या करें। साक्षरता कर्मियों से सलाह मशवरा करके उन्होंने सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक स्वयं सहायता समूह बनाया। अपने अपने साधनों के मुताबिक वो सब हर महीने कुछ पैसे इस समूह में जमा करवाने लगी। शुरू में सबने घर के खर्चे में से 10-10 रुपए बचाकर जमा करना शुरू किया। उन्हें लगा कि उनके द्वारा की जाने वाली इस बचत से एक दूसरे की मदद होगी। जब भी उन्हें किसी काम के लिए एक साथ कुछ पैसों की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें बिना किसी ब्याज के बचत समूह से पैसे मिल जाते थे। उनका काम हो जाता और वो धीरे धीरे पैसे चुका देती। ऐसा करने से उन्हें अपनी आर्थिक दिक्कतों से काफी राहत मिली। ये हमारा ग्रुप चल रहा है समता ग्रुप, तो उस ग्रुप के अंदर 20 महिलाएं हैं। 20 महिलाओं का पैसा हर महीने 50 रुपये इकट्ठा हमारा होता है, 50-50 रुपये इकट्ठा करके आज उस ग्रुप ने पूरे 4 साल हो गए, जो कि पैसा बाहर तना मिल रहा है। तो 20 की 20 महिला
जब मीटिंग इकट्ठी होती है तो मीटिंग में ये तय कर दिया जाता है कि भाई इस महिला ने ये पैसा लेना है। साक्षरता अभियान धीरे धीरे समापन की तरफ जा रहा था, मगर महिलाओं के इस समूह ने अपने गांव के विकास के लिए जो कोशिशें शुरू की थी वो लगातार तेज होती जा रही थी। उस वक्त गांव में अवैध शराब की बिक्री एक बड़ी समस्या थी। जगह जगह परचून की दुकानें शराबियों का अड्डा बनी हुई थी। गांव के बहुत से मर्द और नौजवान लड़के शराब पीकर घर में औरतों के साथ मारपीट करते और राह चलती लड़कियों को भी परेशान करते। काफी समय से चली आ रही ये समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी थी और शाम के बाद औरतों और लड़कियों का घर से निकलना दूभर हो गया था। एक जगह पर इकट्ठी हुई, एक दूसरे की समस्या बताने लगे। उसके बाद में फिर कई बहनों के आदमी शराब पीते, वे शराब की शिकायत लेकर हमारे पास आते। वे यूँ कहते कि बहनों हम तो बहुत दुखी हैं, आज मेरे साथ यूँ होया, आज मैं पढ़ने तक ही ना आ सकी, मेरे तई ये बात कही मेरे घर वाले ने, और मैं तभी भी बाहर ना जाऊँ, मीटिंग में भी ना जाऊँ, कि मेरे साथ तो इस तरह की मारपिटाई होती है। महिलाओं के समूह में इस मसले पर चर्चा हुई, साक्षरता कर्मियों से भी समस्या के बारे में बात की गई। महिला समूह ने नशे की इस लत के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने गांव की पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाई, शराब की अवैध दुकान के सामने धरना दिया, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर रोहतक जिला उपायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को मांग पत्र सौंपे। आखिर में बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों के बल पर इन जाबाज महिलाओं ने प्रशासन व कानून को अवैध शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ पे शराबबंदी का आंदोलन चला तो उस शराबबंदी के आंदोलन में उसने भूमिका निभाई, महिलाओं को मोबिलाइज किया, उनको इकट्ठा किया। हमने महिलाओं ने इकट्ठे होकर ये प्लान बनाया कि यह शराब दाड़े तो ठोवानी है, तो सारी बहन ने बात करी तो उनके पास गए, भाई तो हमारा शराब मत बेचा करो, बहन बेटी का रास्ता है, निकलना मुश्किल हो गया है, तुम इसने टाल कर दो, पर वे को नहीं माने। और फिर हम ट्रेली भर के भी ले गए, 40-50 लोग आई थी, ट्रेली भर के ले गए, हम गए सीधे डीसी का। सारे गांव की महिला इकट्ठी हुई, इसके ऊपर हमने बात ली, तो सारी इकट्ठी होकर जब हम डीसी का गए जो गाड़ी ले गए, उसके बारे में डीसी ने हमारी सुनाई भी करी। और जी दुकान पर, जिस दुकान पर मतलब शराब बिक्या करती, कुछ तो महिला ने बगाई, कुछ गांव के आदमी ने बगाई, वह वाक्य में दुकान बंद हो गई। गांव में उनकी एक अलग ही साख बनने लगी, जिससे उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। अपने समूह को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इन महिलाओं ने एक सहकारी स्टोर भी शुरू किया। इनका ये स्टोर कोई आम दुकान नहीं थी, घरेलू जरूरतों से संबंधित सामान के अलावा स्टोर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। खाली समय में महिलाएं आकर पुस्तकें पढ़ती, उन पर चर्चा करती। गांव के दूसरे लड़के लड़कियां भी यहां से पुस्तकें ले जाते और पढ़कर लौटा देते। पूरे ग्रुप में 8-7 महिलाएं ऐसी थी जो डेली की डेली रोज अपना निकाला करते, भाई स्टोर में आज कितना सामान गया है, क्या किस चीज की कमी है, के सामान आऊगा। जो सामान आता था वो रोहतक से भी लाते थे, लेडी सामान दिल्ली से भी ले आई कई बार, हमारा बहुत बढ़िया स्टोर चल रहा। बाली गांव में साक्षरता अभियान के दौर में काफी अच्छा काम चला और वहाँ पे दारूबंदी के खिलाफ भी अभियान रहा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ महिलाओं का, जिसमें दलित महिलाएं भी शामिल थी और स्वर्ण महिलाएं भी शामिल थी, उनका एक अच्छा ग्रुप था 15-20 महिलाओं का, जो कि हर चीज़ में साक्षरता अभियान के साथ मिलके वो काम करता था। और साक्षरता अभियान के साथ साथ फिर वहाँ एक उत्तर साक्षरता में काम आया कि क्यों ना ये महिलाएं मिलके अपने लिए कोई ऐसा स्टोर खोलें जहाँ से सस्ते कीमत पे कोई चीज़ें वो अपनी बेच पाएँ। और इस उत्सव में एक स्टोर वहाँ खोला गया और समुद्री ने उस स्टोर को संभाला था। और जब वो बालीगांव में ये प्रोग्राम चल रहा था तो हॉस्पिटल में भी, मेडिकल कॉलेज में वो मेरे पास कई मरीज लेके आती थी, तो वो शुरुआती दौर जब मुझे याद आता है तो बहुत ही कम बोलने वाली, शर्मीली सी ऐसी महिला वो एक तरह से थी। लेकिन जब ये साक्षरता अभियान में शामिल हुई और उसके बाद वो स्टोर उन्होंने संभाला और फिर आगे वो बढ़े,
तो मुझे लगा कि उसने काफी विश्वास हासिल किया। पुस्तक पढ़ने के साथ साथ ये महिलाएं गांव की सांझी समस्याओं पर चर्चा करती। उन्होंने महसूस किया कि पंचायत महिलाओं की रोजमर्रा की समस्याओं पर पूरा ध्यान नहीं देती, शिक्षा और स्वास्थ्य भी उसके एजेंडे पर नहीं है। इसके लिए समता समूह ने पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने का फैसला किया और अपनी एक सक्रिय सदस्य रामरती को पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। इससे जहां गांव में महिला समूह का प्रभाव बढ़ा, वहीं विकास के कामों में उसकी भूमिका भी बढ़ गई। गांव वालों के बीच उनके कामों को प्रतिष्ठा मिलने लगी। समूह में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए समुद्री के व्यक्तित्व में भी काफी निखार आया। सामाजिक मुद्दों पर उसकी समझ और ज्यादा विकसित हुई। यही कारण था कि गांव वालों ने मिलकर उसे जिला परिषद के चुनावों में खड़ा करने का फैसला किया। साक्षरता से जुड़ी महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिन रात चुनाव प्रचार किया और समुद्री भारी बहुमत से जिला परिषद की सदस्य चुनी गई। इन्हीं चुनावों में उनके समूह की सबसे सक्रिय सदस्य और नव साक्षर कृष्णा भी ब्लॉक समिति सदस्य चुनी गई। महिलाओं का बड़ा ग्रुप उसके साथ था और क्योंकि पूरे क्लान और ब्लॉक में फिर वो हस्तक्षेप कर रही थी, तो उसके अंतर्गत आने वाले गांव में उसको भारी समर्थन मिला और वो जिला परिषद की मेंबर चुनी गई। और बहुत ही सामान्य तरीके से मेंबर चुनी गई, कोई राजनीतिक ऐसी छाप भी नहीं थी, ना कोई राजनीतिक किसी पार्टी के साथ उसका जुड़ाव था, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो बहुत ही सामान्य परिवार से ऊपर उठ के आई, तो उसमें महिलाओं ने अपना विश्वास व्यक्त किया। जिला परिषद में पहुँचने के बाद समुद्री ने अपनी नेतृत्व क्षमता का जबरदस्त परिचय दिया और कड़े मुकाबले के बाद चेयरपर्सन के गरिमापूर्ण पद को हासिल करने में कामयाब रही। अक्षर सैनिक से शुरू करके एक दलित महिला आज जिला परिषद की एक तरह से चेयरमैन के तौर पे स्थापित हुई है। इसके पीछे हमारा ये मानना है कि साक्षरता की जो मूल भावना है, वो मूल भावना अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि वो मूल भावना एक इस प्रकार के वातावरण के अंदर मनुष्य को लेके आना, जिस वातावरण में मनुष्य अपने आप के प्रति सच्चा, अपने आप के प्रति ईमानदार, अपनी क्षमताओं को जानने वाला और अपनी एक तरह से सामाजिक भूमिका को पहचानने वाला। समुद्री इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर एक बहुत ही शानदार प्रतीक है और वो एक ऐसा प्रतिनिधि है कि वो ये तमाम प्रकार के कार्य कर सकती है। ये साक्षरता अभियानों ने उसे जमीन दी और उसने वास्तव में इसको एक तरह से चरितार्थ करके दिखाया। जिला परिषद की चेयरपर्सन के रूप में आज समुद्री की सामाजिक भूमिका काफी बढ़ गई है। इसके कारण वो काफी व्यस्त भी हो गई है, लेकिन इसका प्रभाव उसने अपने घरेलू जीवन पर जरा भी नहीं पड़ने दिया। आज भी वो पहले की तरह घर परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। एक आम महिला की तरह घर का हर छोटा बड़ा काम खुद करती है। ये एक अलग बात है कि काम का बोझ बढ़ने पर परिवार के अन्य सदस्य उसकी काफी मदद करते हैं। उसकी बेटी रीना अपनी माँ की हर जिम्मेदारी को बांटने को तैयार रहती है। समुद्री चाहती है कि रीना भी बड़ी होकर उसके काम को आगे बढ़ाए। एक साधारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जिला परिषद की चेयरपर्सन तक का समुद्री का सफर उसके संघर्ष और जुझारूपन का जीता जागता सबूत है। उसका जीवन, उसका काम और उसकी जीवटता महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ तक पहुँचने में साक्षरता कर्मियों और समता समूह की महिलाओं ने हर कदम पर समुद्री का साथ दिया है। मामला गांव के विकास का हो या सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों के अधिकारों के संघर्ष का, बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने का हो या महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने का, समुद्री और उसकी सहयोगी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती हैं। और इस सब में उसे सबसे अधिक सहयोग मिला है ब्लॉक समिति की सदस्य कृष्णा देवी से। जन प्रतिनिधि होने के नाते कृष्णा खुद भी पहल कदमी लेकर जनहित के कामों में जुटी रहती है, जिनमें उसे समुद्री का पूरा पूरा सहयोग मिलता है। समुद्री और कृष्णा को अब ग्राम पंचायत और आम नागरिकों का भी भरपूर समर्थन मिलने लगा है। अपने काम और व्यवहार से समुद्री ने भाली गांव के लोगों में ही अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि आसपास के गांवों में भी भरपूर मान सम्मान पाया है।
जिला परिषद के उसके सहयोगी भी विभिन्न मामलों में उसकी राय को अहमियत देते हैं। बहुत से जिला पार्षद जो कल तक एक महिला के नेतृत्व को पचा नहीं पा रहे थे, आज वो भी समुद्री की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर उसे अपना नेता मानने लगे हैं। इतना ही नहीं, अन्य उच्च अधिकारियों से अलग अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के साथ भी समुद्री ने गहरे मानवीय रिश्ते बनाए हैं। वो हमेशा अपने कर्मचारियों के सुख दुख में शामिल होती है और कर्मचारी भी बिना झिझक के अपनी हर परेशानी उसके साथ साझी करते हैं। एक लेडीज होते हुए मतलब सभी को समान बराबर अधिकार देती हैं, जैसे ग्रांट बराबर का बांटना और व्यवहार में सभी को अच्छी तरह प्यार प्रेम से रखना, एक परिवार की तरह रखना। चेयरमैन हमारी बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर की हैं और सभी पार्षदों के साथ एक से एक सा व्यवहार रखती हैं। ये तो दिन रात किसी चीज़ में भी हम बुलाते हैं, किसी चीज़ में भी रात दिन को दिन नहीं समझती, न रात को रात। किसी टीम इनको बुलाओ, किसी कोई भी काम हो, कोई फंक्शन हो, ईमानदार, लगनशील और मेहनतशील परिश्रमी हैं जी। इतने मतलब एक औरत का इतनी भूमिका नहीं पाएगी, ये हमें संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने संभव कर दिखाया। साक्षरता अभियान ने समाज में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया है वो ये कि उसने गांवों की साधारण महिलाओं को जागरूक और संगठित करके सामाजिक भूमिका निभाने का मौका दिया। अनेक औरतों और लड़कियों को इस काबिल बना दिया कि वो समुद्री बन सके, दूसरों को नेतृत्व दे सके और सामाजिक विकास और प्रगति का लाभ समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचा सके। और वास्तव में यही साक्षरता अभियान का वास्तविक उद्देश्य भी है। आज से चंद साल पहले ये सब सपनों की सी बातें लगती थी, लेकिन भाली गांव की समुद्री ने दिखा दिया कि सपने सच भी हो सकते हैं। जो भाली गांव में हुआ है वो बाकी सब जगह भी हो सकता है। समुद्री जैसी औरतें भारत के हर गांव में हैं। जरूरत इस बात की है कि उन्हें मौका मिले। आज समुद्री ने न केवल साक्षरता जैसे समाज सुधार के काम की सार्थकता को साबित किया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से कमतर नहीं हैं। और अगर अवसर मिले तो वो किसी भी स्तर पर समाज में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकती हैं। सपने सच हो सकते हैं, दुनिया बदल सकती है, अगर आपके दिल में है हिम्मत, हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा। समुद्री देवी इसकी जिंदा मिसाल है।